जमुना, शायद किसी को जल समाधि कहते हैं। चल बेटी। माँ आप चलिए, मैं पानी भर के ले आती हूँ। ठीक है। क्या बात है गजा, तुम इतने परेशान क्यों हो? जीजा जी, दीदी पानी में डूब गई है, बाहर नहीं आ रही है। क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ। माँ, जमुना, जमुना कहाँ है? दामाद जी, मुझे नहीं पता। जमुना, आप देखिए ना, वो पानी में, पानी में गिर गई। जमुना, जमुना, जमुना! ये क्या? पानी में खून कहाँ से आया? मेरी बेटी कहाँ गई? डूब गई क्या? पानी में खून कहाँ से आया? जमुना! जमुना, जमुना आ जाओ। जमुना, क्या हुआ था? वो आदमी मुझे पानी में डुबाने आया था, मारने आया था। उसे पता नहीं है कि मैं इसी गांव की लड़की हूँ, यहीं पर पली बड़ी हूँ। जब मैं तैरकर नदी पार कर सकती हूँ तो फिर ये तालाब क्या चीज है? पर वो आदमी कौन था? मतलब वो आदमी तुम्हें मारना क्यों चाहता था? उस आदमी से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? नहीं, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे जो मारना चाहती है वो आपको पाना चाहती है। क्या तुम आर्या की बात कर रही हो? आर्या, अनुराधा, मल्लिका, रागिनी, अनुराधा, तुम सब कहाँ चले गए? बड़े मामा, आपने बुलाया? बड़ी मामी पूजा कर रही है। ओ हाँ, वो दरअसल जमुना घर में नहीं है, इसलिए
सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी बड़ी मामी पर आ गई हैं। खैर मैं, ये क्या, तुम तैयार नहीं हुई? कब तैयार होगी? तैयार हो जाऊं पर क्यों? ये लो, रिसेप्शन पे नहीं जाना है क्या? ओ, गीत के रिसेप्शन पर? हाँ, गीत के रिसेप्शन पर तो जाएंगे ही, पर उससे पहले एक बार हमें गंगा के घर से होकर आना। बड़े मामा, आप गंगा ढोली के घर जाएंगे? रंजना, गंगा ढोली नहीं, गंगा अंकल बोलो उन्हें। इस घर की बहू के पिता हैं वो, सम्मान देकर बात किया करो। I'm sorry, बड़े मामा, प्लीज बुरा मत मानिएगा, पर गंगा ढोली को मैं कभी गंगा अंकल नहीं बोल पाऊंगी, सॉरी। रंजना, तुम्हारी ऐसी हिम्मत देखकर मैं हैरान हूँ। बड़े मामा, आप हैरान हो सकते हैं, मैं भी इस घर के लोगों की पसंद देखकर हैरान हूँ। क्या मतलब, क्या तुम मेरी पसंद को लेकर कुछ कहना चाह रही है? नहीं बड़े मामा, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े मामा, आप एक बार खुद ही सोचिए ना, जमुना इस घर में थी, इसीलिए वेद के माँ बाप शादी के मंडप से वेद को ले जाना चाहते थे, यही जमुना का स्टैंडर्ड है, और आप लोगों ने उसी जमुना को इस घर की बहू बनाकर जो गलती की है, उसी गलती पर आप लोग पछताएंगे। बड़े मामा, तू कहना क्या चाहती है? बड़े मामा, मैं क्या कहूँगी बताइए, आप लोग बड़े हैं, लेकिन इस घर की योग्य बहू तो आर्या होती, लेकिन उसे आपने निकाल दिया और उसकी जगह आपने दे दी जमुना को। आप बड़ी मामी, छोटे मामा, नानी, यहाँ तक कि गीत को भी फंसा लिया, सबको वश में कर लिया उस जमुना ने। बड़े मामा, जमुना की वजह से आप लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हम क्या कीमत चुकाएंगे, बल्कि उस पर तो हम नाज करेंगे, क्योंकि उस जैसी बहू का जवाब नहीं, वो इस घर की आदर्श बहू है। और जहां तक बात जमुना के व्यक्तित्व की है, तो वो पढ़ाई लिखाई के साथ अंग्रेजी भी सीख रही है, इतने बड़े रियलिटी शो रिदम में भाग ले रही है, इतना ही नहीं वो शो का पहला राउंड पार भी कर चुकी है। आज मैं तुझसे कह रहा हूं रंजना, जमुना ही ये कॉम्पिटिशन जीतेगी, और उस वक्त तू सबके सामने चिल्ला कर कहेगी, मेरी भाभी चैंपियन है। ये मैं दावे से कह रहा हूं, मेरी ये बात याद रखना। ये आपकी गलत फहमी है, बहुत बड़ी, ना ही कभी ऐसा दिन आएगा और ना ही कभी जमुना नाचेगी। मेरे बाबू सोना, मेरे बाबू सोना, राजा बेटा, मेरे प्यारे बेटे को आज हल्दी लगेगी। काली, अरे वो हल्दी की थाल लाकर तो दे मुझे। लड्डू। देखो अब दूल्हे को हल्दी लगेगी। बस लग गई दूल्हे को हल्दी। मैं हल्दी नहीं लगवाऊंगा। पागल कहीं का, तुझे कैसे हल्दी लगेगी? हाँ, पर शादी तो मेरी है ना। जानता हूँ मैं, शादी तो तू ही कर रहा है मेरो प्योरो सो बच्चा, लेकिन तू शादी के बाद बहू को लेकर कहाँ जाएगा, मतलब बहू का ससुराल कहाँ होगा? आपके घर। यही तो मैं बात कह रहा हूँ बेटा। काली, वो
वो जो इसके माँ बाप बनने वाले हैं, उनको सब ठीक से सिखा दिया है ना? आप चिंता मत कीजिए, सब सिखा दिया है मैंने। ठीक है ठीक है, फिर भी तू एक काम कर, वो तू उन दोनों के हाथों से शगुन की हल्दी ब, 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 लड़की के घर पहुँचवा। शुभ काम है ना, देरी नहीं होनी चाहिए। कोई गलती हुई ना तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा सुन, उन्हें सब कुछ ठीक से समझा दिया है ना तूने? जी बिल्कुल, सब कुछ समझा दिया है। जानता है लड्डू, उन सबको लगता है कृष्णा का ससुराल भी जमुना की तरह बहुत ही पैसे वाला होगा। शहर में एक अमीर ससुराल, वो रानी की तरह रहेगी। हाँ, आप भी तो उस रानी बनाकर रखेंगे। अरे रानी क्या, मैं तो उसको महारानी बनाकर रखूंगा। दे 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 दे। सुन, ये उनको दे दे और वहां भिजवा दे, और जिनको माँ बाप बनाया है उनको समझा देना कि अगर उनके नकली माँ बाप होने का पता चला तो वो ये बात ध्यान रखें कि उनकी लाशें वहां होंगी। जा 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 जमुना, शादी के मंडप पर तूने ही मुझसे कहा था ना कि मेरे मुंह पर कालिक पोत कर मुझे गधे पर बैठा कर पूरे गांव में घुमाएगी। अब देखना, तेरे मुंह पर कालिक पुतेगी। जमुना, ये तो क्या कह रही है बेटी? कोई तुझे तालाब में डुबाकर मारना चाहता था? कौन था जो तुझे मारना चाहता था? कौन बेटा, बेटा कौन मारना चाहता था मेरी बेटी को? पापा, असल में जो मारना चाहता था उसे तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन पुलिस को खबर कर दी है। वो उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, हमें जरूर पता चल जाएगा कि उसे किसने भेजा था। जमुना को अपनी रक्षा के लिए उस आदमी पर मजबूरन हमला करना पड़ा। बेटी बेटी तू ठीक तो है ना? बेटी तू ठीक, कौन तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था? मैंने तो पता नहीं, पर मुझे तो लगता है कि आर्या ही है। लेकिन जमुना, बिना सबूत किसी को एक्यूज मतलब उस पर आरोप लगाना सही होगा? छोटे मालिक, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हम लोग सोच भी नहीं सकते कि जो लड़की एक माँ का रूप होती है वो किसी को मार कैसे सकती है ना? बेटा बेटा, तुम थाने के बड़े बाबू साहब मतलब बड़े ऑफिसर को समझा दो बेटा, ताकि शादी के समय कोई मुसीबत या कोई परेशानी ना आए, ताकि मेरी दोनों बेटियों को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए बेटा। पापा पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इन दोनों के साथ ही रहूंगा। मेरे होते जमुना और कृष्णा को कोई छू भी नहीं सकता। छोटे मालिक, मुझे जरा अपना फोन दीजिए तो। किससे बात करनी है? मैं एक बार आर्या के परिवार से बात करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों जमुना? छोटे मालिक, वो लड़की एक अपराधी बनती जा रही है, हमें उसे समझाना होगा। जमुना, तुम्हें अब भी नहीं समझ आ रहा है कि उसे समझाया नहीं जा सकता है? जानती हूँ, मैं फिर भी एक बार उनसे बात करूंगी। मैंने आर्या के पिता को देखा है और मुझे लगता है कि आर्या के पिता आर्या की गलतियों को समझते हैं, इसलिए मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूँ। आप मुझे फोन लगा कर दीजिए ना, एक बार बात करवा दीजिए मेरी, प्लीज। हमारी बेटी का दिल कितना बड़ा है, जो इसे मारना चाहती है ये उसी को बचाना चाहती है। हाँ माँ, जिस आदमी को पुलिस अपने साथ ले गई है, अगर उसने कह दिया कि आर्या ने ही मुझे मारने के लिए उसे यहाँ मेरे पास भेजा था, तो पुलिस आर्या को जाकर गिरफ्तार कर लेगी और उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं।
उसे समझाना ही होगा, उसे रोकना होगा। सुनिए छोटे मालिक, अपना फोन दीजिए ना। सच में जमुना, कभी कभी मैं तुम्हें देखकर हैरान रह जाता हूँ। हेलो। हाँ, मैं संगीत बोल रहा हूँ। संगीत, यूं अचानक तुमने मुझे क्यों फोन किया? मेरी पत्नी जमुना आपसे कुछ बात करना चाहती है। मुझसे बात करने को बचा भी क्या है, सब कुछ तो हो चुका है। नहीं, मुझे बिल्कुल बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी है। वो बात नहीं करना चाहते। आप मुझे अपना फोन तो दीजिए। हेलो। हाँ अंकल जी, आप फोन मत रखिएगा। मैंने आज आपको आपकी भलाई के लिए ही फोन किया है, आपकी बेटी की भलाई के लिए। आपकी बेटी के गुनाहों की लिस्ट इतनी बढ़ती जा रही है कि अब वो धीरे धीरे एक अपराधी बनती जा रही है। उसे बचा लीजिए। क्यों, क्या किया आर्या ने, क्या किया है? वैसे आपकी बेटी इस समय पक्का घर पर नहीं होगी। हाँ, पर तुम्हें ये कैसे पता चला? मुझे पता है, क्योंकि वो यहाँ पर है, मेरे गांव में ही है। मेरे बहन की शादी है और आज सुबह सुबह मैं अपनी माँ, गांव के कुछ पड़ोसी और रिश्तेदारों को लेकर पानी भरने तालाब पर गई थी और वहाँ पर एक पेशेवर खूनी के हाथों पानी में डुबोकर मुझे मारने की कोशिश की। ये सब क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। और अभी वो पेशेवर खूनी अस्पताल में है, पुलिस और डॉक्टर की निगरानी में। उसे किसने मारा? जमुना राय। मैंने मारा है। जब तक मेरे पति मेरे साथ हैं, तब तक मुझे कोई छू भी नहीं सकता। अंकल जी, आर्या से कह दीजिएगा कि सिर्फ इसी जन्म में नहीं, अगले 6 जन्मों तक संगीत राय मेरे साथ ही रहेंगे। मेरे पति के रूप में उसे समझा दीजिएगा और उसे ये भी कहना कि ऐसी गलतियां भूल कर भी दोबारा ना करे। अगर उसने फिर से मुझे मारने की कोशिश की तो इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं अब थक चुकी हूँ। उसे माफ करते करते मेरी सहन शक्ति जवाब दे गई है। अब और नहीं अंकल जी, और नहीं। उसे रोक लीजिए। और हाँ, ये मेरी धमकी नहीं है, ये मेरी आपसे की गई एक विनती, एक अनुरोध है। उसे संभाल लीजिए। जीजा जी के घर से हल्दी लेकर आ गए हैं। अच्छा, सेवली तो आप कृष्णा को जल्दी लेकर क्या हो? जी जी, अच्छा तो जाकर कृष्णा को लेकर। अच्छा, आप सब लोग जाइए, मैं जाकर कृष्णा को लेकर आता हूँ। चलिए मैं भी चलती हूँ। ये पकड़िए, मैं भी जा रही हूँ। अच्छा मैडम, मेरी साली की शादी में नाच गाना नहीं होगा क्या? नहीं नहीं, कोई नाच गाना नहीं होगा। अरे पर क्यों नहीं होगा, नहीं कहा ना? Thank you.
डार्लिंग सुनो ना, गीत मेरी बात सुनो ना। आई नो तुम ठीक कह रही हो, पर एक बार मेरी बात सुन लो। अच्छा सुनो ना, मैं कह रहा था कि तुम एक बार प्लीज अन्न वस्त्र रसम कर लो ना। एक तो वेद तुम चमचागिरी मत करो, अपने माँ पापा की चमचागिरी मत किया करो, समझे? तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, शादी के मंडप से दूल्हे को उठा कर ले जा रहे थे। क्यों? इस शहर में के लड़कों का अकाल पड़ गया था। और सुनो वेद, मेरे पीछे ना एक से बढ़कर एक लड़के घूमते हैं, भूल गए क्या मैं केदार राय की बेटी हूँ? मैं समझ गया कि तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, तुम इस धरती की सबसे उच्च नारी हो। अरे तुम अच्छा, चुप करो, रहने दो, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बात मान लो, ये रसम कर लो, क्यों झगड़ा कर रही हो? क्या देखो, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, मैंने अपनी बात साफ साफ कह दी है कि जमुना भाभी के आने से ही ये रस्म होगी, नहीं तो मुझे नहीं करनी कोई रस्म। अरे फिर वही बात, सखी तुम्हारे साथ ये रस्म थोड़ी करेगी, तुम्हारे साथ ये रस्म तो मैं करूँगा ना। हाँ, तभी तो जमुना भाभी को मुझे गवाह बनाकर रखना है, क्योंकि तुम्हारे माँ पापा पर तो मुझे भरोसा नहीं है वेद। मतलब कि तुम्हारे मम्मी पापा तो किसी भी वक्त कह सकते ना कि गेट आउट। मतलब बोल सकते हैं वो ऐसा, मान लो उन्होंने ऐसा बोल दिया तो। मेरी प्यारी बीवी, मेरी बात मान लो ना, देखो जो होना था सो हो गया, अब तुम और जिद मत करो ना। बहुरानी, बहुरानी, बोलिए। खाने पीने की तैयारियां हो गई हैं, अब अन्न वस्त्र की रस्म को शुरू करना है। पर अन्न वस्त्र की रस्म तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जमुना भाभी अब तक नहीं आई है। तुम्हारी परेशानी क्या है बहुरानी? तुम्हें हर बात पर जमुना को क्यों बुलाना होता है? क्योंकि आप लोगों ने उसके साथ गलत किया है, और जो जो गलतियां की हैं, उन सभी गलतियों का प्रायश्चित तो आपको करना ही होगा। जमुना भाभी को नीचा दिखाकर, ऊंच नीच का भेदभाव करके उनका इतना अपमान किया है कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। वो घर छोड़कर चली गई, और यकीन मानिए, कभी किसी भी इंसान की बेइज्जती ना करना मैंने जमुना भाभी से ही सीखा है, क्योंकि आपने अपने सभी रिश्तेदारों के सामने शादी में जिस तरह ढोली की बेटी बोल बोल कर जमुना भाभी को निकाल दिया था, इसलिए उनका इस रस्म में होना जरूरी है। उनकी आंखों के सामने, उनके शुभ हाथों से मैं अपने नए जीवन के सारे अनुष्ठान पूरे करूंगी। गीत, गीत तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो। पापा देखो, देखो आपकी आपकी बहू कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है। और तुम्हें पता है, ये अच्छी अच्छी बातें करना मुझे जमुना भाभी ने ही सिखाया है। मैं उसे उसकी पढ़ाई को लेकर कितना सुनाती थी, और पता है भैया से सीखते सीखते अब वो फराटेदार इंग्लिश बोलने लगी है, और उसी ने मुझे ये सब सिखाया है। सखी, सखी ने तुम्हें ये सब सिखाया? हाँ, जमुना भाभी ने ही मुझे अच्छे से बोलना सिखाया, ताकि मैं सबका दिल जीत सकूं। अच्छा सुनो, अब ये सब बातें छोड़ो। हाँ, और तुम अभी जमुना भाभी को फोन करो, और कुछ भी करके उनके यहाँ आने का अरेंजमेंट करवाओ। बहुरानी, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ठीक है, वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर फिर मैं अन्न वस्त्र की रस्म में तैराकी के कपड़े, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहनूंगी। क्या स्विमिंग कॉस्ट्यूम? हाँ, और खाने में मैक्सिकन, चाइनीज, थाई, ये सब खाना भी मंगवा लूंगी। इन सब की क्या जरूरत है बहुरानी? और कपड़ों में मैं जीन्स, क्रॉप टॉप, और साथ में स्पोर्ट शूज। ये सब क्या बोल रही हो बहुरानी? अन्न वस्त्र ये दोनों ही नहीं होंगे। वेद, तुम ऐसे खड़े क्यों हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू ने अब कौन सा नया पागलपन शुरू किया है भगवान जाने। सभी जान पहचान वाले आ गए हैं। बहू अब क्या करेगी पता नहीं। क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो? अरे फोन करो ना जल्दी। उफ, क्या हो रहा है इस घर में? पापा, वो मैं कह रहा था कि हेलो सखी, क्या हुआ? सखी, तुम्हें इस मजबूर पति की सहायता करनी ही होगी। हर आदमी, इस धरती के हर आदमी को इस मुसीबत से गुजरना ही पड़ता है। क्यों, हुआ क्या है? अरे अरे, गीत बोल रही है कि अगर तुम नहीं आई तो वो अन्न वस्त्र की रस्म नहीं करेगी। वो फिर से ये सब क्यों कर रही है?
तुम बात करो उससे। गीत, ये लो सखी से बात करो। हेलो, ये सब क्या हो रहा है गीत? तुम आओगी तभी ये अन वस्त्र की रस्म होगी, तुम आओगी तभी सुहागरात होगी, तुम नहीं आई तो कुछ भी नहीं होगा। अब गीत मेरी बात सुनो। मैं इतनी जल्दी कैसे आऊंगी? हाँ, 2-3 घंटे का समय लग जाता है, तुम समझो ना। अरे तो क्या बड़ी बात है, हम सब वेट कर लेंगे ना। अरे बाबा गीत, आज मेरी बहन की शादी है। उफ भाभी, ये सब मुझे मत समझाओ। तुम अगर अभी वहाँ से निकलोगी तो बिल्कुल सही समय तक पहुँच जाओगी। एक बार यहाँ पर अनवस्त्र की रस्म हो जाए उसके बाद चले जाना आप अपनी बहन की शादी में। अच्छा, क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ? गीत, अगर तुम्हारी सगी बहन होती तो क्या तब भी तुम नहीं आती? नहीं गीत, ऐसा नहीं है, मेरी बात तो समझो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जमुना भाभी। देखो, तुमने हमेशा से यही चाहा था कि मैं अच्छे से अपना ससुराल संभालूं, तो फिर खुशी के पलों में तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती? गीत, लेकिन वो रस्म तो पति निभाता है। मालूम है। तो फिर मुझे क्यों बुला रही हो? उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। जानती हूँ, और तभी मैं तुम्हें यहाँ बार बार बुला रही हूँ। जमुना भाभी, तुम्हें कोई पसंद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम पर तो परिवार वालों को गर्व है, तुम परिवार का गौरव हो, लेकिन फिर भी इन लोगों ने तुम्हें सबके सामने नीचा दिखाया, तुम्हारी बेइज्जती की। लेकिन तुमने पलटकर किसी को भी बुरा नहीं कहा, तुम हर वक्त चुप रही, इसलिए तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। वरना तुम तो जानती हो कि मैं अपनी माँ, अपने पिता, तुम्हारी, मैं तुम तीनों की कसम खाकर कहती हूँ जमुना भाभी, कि मेरी कोई रस्म नहीं होगी। गीत, गीत सुनो, गीत। क्या हुआ? क्या बताऊँ, जैसे आपके पापा ठीक वैसी आपकी बहन। क्यों? दोनों बस एक दूसरे की तरह फैसला सुना देते हैं। इन दोनों को सीधा करते करते ना मेरी जिंदगी टेढ़ी हो जाएगी। अरे पर हुआ क्या है पहले ये तो बताओ। गीत ने नई जिद पकड़ ली है, मैं नहीं गई तो अन्न वस्त्र की रस्म नहीं करेगी। इसी बात का तो मुझे तुम पर गर्व है। क्या मतलब? मतलब मेरा परिवार तुमसे कितना प्यार करता है। अब और प्यार की बात मत कीजिए, मैं यहाँ से पहले वहाँ जाऊँ, फिर वहाँ से मैं यहाँ पर आऊँ, क्या करूँ मैं, कहाँ कहाँ? क्या दीदी, तुम मुझे कब से जाओगी? अब तुम यहाँ हो, मैं ना तुम्हें बहुत सुंदर सजाऊंगी। हाँ, पर ये क्या, ये, अरे भीगे कपड़ों में घूम रही हो, जाओ जाकर कपड़े बदलो। मुझे एक जगह जाना है, वहाँ जाऊंगी और फिर तुरंत आऊंगी। क्यों? जाना ही होगा कृष्णा, मुझे कोलकाता जाना है। कोलकाता? लेकिन अब फिर कोलकाता क्यों जाना है? जाना ही होगा बाबा, वहाँ जो मेरी ननद रानी है ना। अच्छा, क्या मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ? अगर तुम्हारी सगी बहन होती तो क्या तब भी तुम नहीं आती? नहीं, मेरी एक बहन है वहाँ, उस बहन के पास भी मुझे जाना चाहिए, है ना बाबा? और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और आ जाऊंगी। बाबा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आते ही से सजा दूंगी। बहुत सावधानी से जाना। हाँ, आराम से जाना छोटे मालिक, चलिए। हाँ, फोन दो, चलो। अनुराधा, अनुराधा, कल्याण कहाँ हो? अरे कहाँ हो तुम लोग, कितनी देर हो रही है? क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान मतलब, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जाना नहीं है क्या? कहाँ जाना है और आप कहाँ जा रहे हैं? ये लो, अब पूछ रही हो कि कहाँ जा रहा हूँ? अरे बाबा, गीत के घर पे जाना है कि नहीं हमें? भाभी, क्या हुआ? तुम्हारे भैया की बात सुनो। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारे भैया इस वक्त गीत के ससुराल में अन्न वस्त्र की रस्म में हिस्सा लेने जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? आप वहाँ अन्न वस्त्र की रस्म में जाएंगे? हंस क्यों रहे? इसमें हंसने की क्या बात है? क्या मैं अपनी बेटी के ससुराल नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें क्या बात है, लेकिन सुनिए तो भाभी की बात तो सुनो। कल्याण मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए। कभी किसी पिता को देखा है बेटी की अन्न वस्त्र की रस्म में जाते हुए? देखा है क्या? हाँ, नहीं देखा है, तभी तो सोच रहा हूँ कि गंगा किस दिशा से बह रही है। मामा, आप ही समझाइए। मामा आइए, आपके बड़े बेटे अपनी बेटी गीत के ससुराल में उसके अन्न वस्त्र की रस्म में जाएंगे, अब आप ही समझाइए। अब आप ही बोलिए माँ। देखो मेरे ऊपर आप कोई भी नहीं हंसेगा, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए? ये देखो भैया क्या बोल रहे हैं, समझाओ तुम लोग। हम लोग रेडी। तुम लोग तैयार हो गए? हाँ। मतलब तुम लोग रस्म में चल रहे हो? चल रहे हैं। अच्छा, तुम सब अन्न वस्त्र की रस्म में जाने के लिए तैयार क्यों बैठे हो फिर? अरे पहले ये लड़कियां पार्लर जाएंगी, उसके बाद थोड़ा सज धज कर शाम को। ठीक है, जिसे जहाँ जाना है जाए, पार्लर में जाना है वहाँ जाए, लेकिन मैं अन्न वस्त्र की रस्म में जाऊंगा, मैंने कह दिया। अब भैया एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप अन्न वस्त्र की रस्म में जाने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? अभी तो तोहफा ले जाने में समय है।
तो तोहफे लेकर मैं जाऊंगा। आप तोहफे लेकर जाएंगे? मैं ही तोहफे लेकर जाऊंगा। माँ सुना आपने क्या बोल रहे हैं भैया? हाँ सुना, क्या हुआ है तुम्हें केदार? वो आप नहीं समझ पाएंगी विंध्यवासिनी देवी, नहीं समझ पाएंगी। मैं समझ गई हूँ। नहीं समझे? गीत के अन्न वस्त्र रसम में जमुना आ रही है। ओ हाँ, तभी तो अब समझ में आया मुझे। पर भैया ये तो गलत है, अन्याय है ना, बहुत बड़ा अन्याय है। आपका अपनी बेटी बीबी के ऊपर कोई ध्यान नहीं, उनका कोई ख्याल नहीं, आपका सारा ध्यान बस अपने जमुना बहू के ऊपर ही है। मतलब आपके लिए बहू आपकी बेटी से बढ़कर हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो? जमुना कहाँ और कब कैसे आएगी, ऐसी कोई खबर नहीं है मेरे पास। आ आ आ बिल्कुल नाटक मत कीजिए, आप बहुत बुरा नाटक करते हैं। मुझे खबर मिल गई है। किसने कहा है? ताऊ जी, मैंने बताया है। क्या तुमने कहा है? हाँ मैंने बताया है। वैसे भी जमुना भाभी नहीं है तो अन्न वस्त्र की रस्म तो नहीं होगी ना, इसीलिए मैंने बता दिया। तो मैं, अरे भैया भैया भैया, अरे कल्याण ये कैसे कह सकती है? मैं आपकी टीम में हूँ। मतलब? मतलब वहाँ पर जमुना आ रही है ना, तो मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, दोनों भाई मिलकर जाएंगे। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ बोले बोले। इन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अच्छा? इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, तुम और मैं, बस हम दोनों ही जाएंगे, समझ गए? क्या बात है भैया, किसी को बताना मत। माँ को मत भूल जाना। इन्होंने सुन लिया क्या? सुनो। क्या सुन लिया? केदार मैं भी जाऊंगी तुम दोनों के साथ। दो दिनों से जमुना को नहीं देखा तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने युग बीत गए। ओह और मैं, मुझे सब भूल गए। वाह, जमुना को इस घर में सम्मान से सबसे पहले मैं लेकर आई थी, ठीक है ना? तब तो आपने भी मना किया था। ये तो भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। नहीं हाँ माँ, बिल्कुल नहीं, मुझे पहले जाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही उसे अपनाया था। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। अचानक से इस घर में सबको हो क्या गया है, पता नहीं चल रहा है? मतलब जमुना घर के सब लोगों के आँखों का तारा बन गई है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि केदार राय अब खुद जमुना के सबसे बड़े समर्थक हो गए हैं। तो इसका तो मतलब साफ है भैया, हैं? गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली ने आखिरकार जमुना राय बन के दिखा ही दिया, क्यों है ना? रुको एक मिनट, सुनिए पापा का फोन आ रहा है। हाँ तो उठाओ ना, उठाओ। हेलो पापा, बोलिए। तुम लोग रास्ते में हो क्या? हाँ नहीं, मतलब आपको कैसे पता चला? गीत के घर पे आ रहे हो ना? हाँ पर आपको कैसे पता चला? ये लो, मुझे पता ना चले ऐसा हो सकता है? अभी हम सारे लोग गीत के घर पे ही जा रहे हैं। हाँ आप सब भी आज की रस्म में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा जमुना, तुमने चोरी चुपके अन्न वस्त्र की रस्म में जाने का प्लान क्यों बनाया था, बताओगी मुझे? एक बार भी हमारी याद नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी सासू माँ की याद, तुम्हारी दादी सास की याद तुम्हें एक बार भी नहीं आई? जमुना तुम्हें इस घर में सभी बहुत मिस कर रहे हैं बेटा। दीजिए जरा मुझे फोन दीजिए। हेलो सुनो, हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहे हैं, तुम्हें सिर्फ मिस कर रहे हैं तुम्हारे ससुर जी। तुम गीत के घर पर रस्म के लिए आ रही हो, इसलिए सुबह से ही तैयार होकर बैठे हैं कि जाएंगे तुमसे मिलेंगे। तुम्हें उनकी आंखें ढूंढ रही हैं जमुना। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ माँ, जो मेरे ससुर जी का इतना प्यार मिल रहा है मुझे। बड़ी भाभी क्या हुआ, कुछ बोलना है? हाँ मैं कह रही थी कि घर के पीछे जो खाली कमरा है वो मैंने साफ करवा दिया है, और वहां पर मैं अपना किचन सेट करूंगी। और हाँ आज से ही इस घर में किचन अलग अलग होगा, मतलब खाना अलग पकेगा। क्या तुम खाना अलग से पकाओगी? मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है हाँ? जो मेरे इस एक साथ रह रहे परिवार को तुम तोड़ना चाहती हो?
और वैसे तुम तो हमारे परिवार के कुछ भी नहीं हो। गलत, आप गलत बोल रहे हैं छोटे भैया। इस परिवार की मैं भी कुछ तो लगती ही हूँ और इस परिवार की संपत्ति पर मेरा अधिकार भी है, इसीलिए हिस्सा तो मैं लूंगी ही और किचन भी अलग कर लूंगी। महाप, ये सब क्या बोल रही हैं? ऐ तुम चुप रहो, एकदम चुप करके खड़ी रहो। मैंने जब कह दिया तो किचन अलग होगा और प्रॉपर्टी में भी हिस्सा होगा। तुम होती कौन हो हिस्सा मांगने वाली? ये संपत्ति मेरी है, मेरा जिसे मन होगा दूंगी और जिसे नहीं होगा नहीं दूंगी। नहीं माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप अपनी ही संतान को संपत्ति से अलग नहीं कर सकती हैं, समझी? और अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो फिर ऐसी हालत में आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। तो खाना जैसे अलग होगा वैसे ही प्रॉपर्टी में हिस्सा भी लेकर रहूंगी। माँ, माँ, बोलो। फोन एक बार बड़ी बुआ को दीजिए तो। क्यों? दीजिए ना। ठीक है, लो बात करो। किससे बात करनी है? जिसकी सभी बहुत इज्जत करते हैं। जमुना। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? यही कि रसोई अलग नहीं होगी। तुम बोलने वाली कौन हो? तुम्हें इस घर से निकाल दिया गया है, दूर कर दिया गया है। उसके बाद इस घर में रसोई अलग अलग होगी या नहीं, ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? जमुना, मैं उस घर में ना रहूं तब भी उस घर की बहू हूँ। मैं राय परिवार की बहू हूँ, इसी हक से कह रही हूँ रसोई अलग नहीं होगी। अच्छा, तो फिर अब मैं भी देखूंगी तुम मुझे कैसे रोक सकती हो। कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं, खुद केदार राय भी नहीं। रागिनी। भैया नहीं भैया, अब आप इस तरह से सबके सामने मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते हैं। हाँ, मुझ पर सभी के सामने डांटने चिल्लाने का अधिकार अब आपके पास नहीं है भैया। हाँ, सुनाई दिया ना? रसोई घर अलग होगा, मैं रसोई अलग करके रहूंगी और इस घर की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी लेकर रहूंगी। इस घर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी मैं, राय परिवार के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसके लिए जिम्मेदार होगी तुम। मैं रसोई घर बंटने नहीं दूंगी, मैं भी आपसे कह देती हूँ। अच्छा, रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो।